मोरो आर्क ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की स्टोरी के बाद होता है। गोकू वजीटा के पास आता है और वो दोनों ग्रेविटी चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। वजीटा पूछता है क्या गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर सकता है, लेकिन गोकू बताता है कि जब से टोर्नेडो पार हुआ है तब से वो उसको कभी यूज़ नहीं कर पाया है। तभी उनको बुलमा की कॉल आती है और बुलमा बताती है कि कोई मिस्टीरियस गैंग आ चुकी है और वो लोग बू को किडनैप कर रहे हैं। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके उनके पास जाने लगता है, लेकिन वजीटा उसको मना कर देता है और कहता है मैं उड़कर आ रहा हूँ। तभी हम उसी गैंग को देखते हैं जो बू को किडनैप कर रही होती है, और हम यहाँ पे एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं और उसका नाम होता है मीरस, और वो मिस्टर सेटन की बंदूक को रोक देता है, जिसके बाद वहाँ पे गोकू आ जाता है और वजीटा भी वहाँ पहुँच जाता है। वही मीरस गोकू और वजीटा को जानता है और तभी गोकू उनको रोकने लगता है ताकि वो बू को किडनैप ना कर सके, लेकिन मीरस को देखता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसको एक स्टन गन मार देता है जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। और ये देखकर दोनों मिस्टर सेटन और वजीटा शॉक हो जाते हैं, मगर तभी मीरस वजीटा के पीछे आ जाता है और उसको भी स्टन गन मार देता है और मीरस उनको भी किडनैप कर लेता है और वो लोग अर्थ को छोड़ देते हैं। जिसके बाद गोकू उठता है और उसके सामने खड़ा होता है जाकू, और जाकू बताता है कि गोकू और वजीटा अब गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स के अंदर हैं। और तभी मीरस गोकू और वजीटा से माफ़ी मांगता है उनको बेहोश करने के लिए, और तभी गोकू मीरस से पूछता है कि वो कौन है, और हमें पता चलता है कि मीरस नंबर वन एजेंट है पूरे गैलेक्टिक पेट्रोल के अंदर। और तभी वजीटा पूछता है कि उनको माजिन बू की ज़रूरत क्यों है, तो मीरस बताता है कि एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल भाग चुका है और उसको हराने के लिए हमें बू की ज़रूरत है, और ये होता है ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड लड़ाई कर रहे हैं, और अगर तुम्हें पता ना हो तो ये यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय थे जिनको माजिन बू ने मार दिया था, और ये सुप्रीम काय किसी से लड़ रहे होते हैं और उसने कुछ पहनावा होता है और हम लोग उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तभी वो एक प्लैनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उस प्लैनेट के सारे जानवर मारे जाते हैं और वो पूरा प्लैनेट मरने लगता है, और सारी की सारी एनर्जी उसके पास आ जाती है और उसको एक छोटी बॉल बनाकर उसको वो खा लेता है, और तभी उसकी पावर बढ़ जाती है और वो पावर अप कर देता है। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को समझ आ जाता है कि वो मोरो को नहीं हरा सकते। तभी वो एक ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जो कोई और नहीं जानता। तभी वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम होता है काई काई माटोरू, और तभी उसका सारा जादू बंद हो जाता है और इस टेक्निक की वजह से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की ज़्यादातर पावर चली जाती है, लेकिन वो फाइनली मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। लेकिन मोरो तब भी एक खतरनाक फाइटर था बिना मैजिक के भी, तो उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन था और इसलिए उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली थी। और अब मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी जिंदा है और अब वो भाग चुका है, और उसको वापस बंद करने के लिए उनको माजिन बू की ज़रूरत है, क्योंकि माजिन बू ने ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को एब्जॉर्ब किया था, तो वो लोग किसी तरह माजिन बू से वो पावर बाहर लाएंगे। लेकिन माजिन बू अभी सो रहा है और उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं उठा सकता, और मीरस बताता है कि उनके पास मोरो की लोकेशन भी नहीं है। और तभी गोकू एक ऑफर देता है कि गोकू और वजीटा भी उन दोनों की मदद करेंगे मोरो को पकड़ने के लिए, और वजीटा ये मान जाता है, लेकिन वजीटा को मीरस पर भी शक हो रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और तभी वहाँ पर एक सेरेमनी होती है गोकू और वजीटा के इंट्रोडक्शन के लिए, और गोकू और वजीटा को भी नई यूनिफॉर्म मिलते हैं लेकिन उनके साइज़ के ही नहीं होते, लेकिन उनको तब भी गैलेक्टिक पेट्रोल का साइन तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम होती है और लगता है किसी प्लैनेट पर चोरी होती है, और जो चोरी कर रहे होते हैं उनका नाम होता है मार्करेनी गैंग, और मीरस भी उनको रोकने के लिए जाता है, और तभी गोकू और वजीटा भी उनके साथ चलते हैं ताकि वो मीरस की पावर को देख सके। और वो उस प्लैनेट पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वो गैंग ब्लू कलर के हीरे चुरा रही है, और उनका नाम होता है ब्लू ऑरम, जो कि बिल्कुल गोल्ड की तरह है अर्थ पर। तभी मीरस नीचे जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरस उस ट्रेन को भी बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है और बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाता है, लेकिन वहाँ से मार्करेनी गैंग भागने की कोशिश करती है और गोकू उन्हें रोक लेता है। वहीं वजीटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि मीरस कैसे गायब हो गया, और उसको समझ आ गया कि मीरस कोई आम मॉर्टल नहीं है, अगर गोकू उनको नहीं रोकता तब भी मीरस उनको रोक लेता, और मार्करेनी गैंग वापस बंद हो जाती है। तभी वजीटा मीरस से पूछता है क्या मीरस अपनी पावर को छुपा रहा है, लेकिन मीरस बोलता है कि वो अपनी पावर को नहीं छुपा रहा है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोरो को अकेले ही हरा सके, और मीरस बोलता है कि मोरो की पावर का कोई लिमिट नहीं है और वो स्ट्रांग बनते ही जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। तभी उनको मोरो की लोकेशन पता चल जाती है और गोकू उसको सेंस करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे हम उसको देखने लगते हैं, और मोरो भी सेंस कर लेता है कि उसको कोई सेंस कर रहा है, जिसको देखकर गोकू बहुत ही शौक हो जाता है। तभी वजीटा गोकू देखता है कि गोकू बहुत घबरा गया है, और तभी वजीटा भी मोरो को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है और बोलता है कि वो हमें सेंस कर सकता है,
और वो कोई नॉर्मल की नहीं थी बल्कि बहुत ही अजीब थी, जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। और मीनस बताता है कि इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे प्लैनेट की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करके ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, और कोई ये नहीं बता सकता कि उसने कितने लोगों को मारा है। तभी हम मोरो को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप के अंदर है, लेकिन उनको नहीं पता कि मोरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन गोकू को ये रास्ता याद है और वो इसी डायरेक्शन में गया था जब वो डेंडे से मिलने गया था, जिसका मतलब वो नमेकियंस के पास जा रहा है। और मार्कारेनी गैंग बताती है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है, और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि मोरो जिस बंदे के साथ था वो फ्रीजा फोर्स के अंदर ही था और उसको भी ड्रैगन बॉल्स का पता है। वो खुद ड्रैगन बॉल्स चाहता था इसलिए वो अपने साथ मोरो को ले गया, और कैनबेरी मोरो की मदद से ही प्रिजन से बाहर आ सका है। और मोरो ने प्रॉमिस किया था कि कैनबेरी एक विश ले सकता है, बाकी दो विश मोरो ले सकता है। तभी गोकू और वेजिटा जल्दी से न्यू नमेक पर चले जाते हैं और वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, और नमेकियंस को भी याद है कि गोकू कौन है। और तभी एक स्पेसशिप आती है जो कि मोरो की होती है, और मोरो के आने से पहले गोकू नमेकियंस को भागने का बोलता है और बताता है कि कोई ड्रैगन बॉल्स लेने आ रहा है। और तभी मोरो की शिप लैंड होती है और वहाँ से बाहर आता है मोरो। वही मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद ताज़ी हवा खा रहा है, और तभी वो एक घर की तरफ देखता है जिसके अंदर एक छोटा सा नमेकियन होता है, और अपना हाथ ऊपर करके उसको अपने पास बुला लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लग जाता है। तभी गोकू उसको बचाने जा रहा होता है जब तक वेजिटा उसको बचा लेता है। वेजिटा ने गोकू से पहले ही नमेकियन को बचा लिया, और वेजिटा को अब भी याद है कि उसने नमेकियंस के साथ कितना बुरा किया था, और अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, और इसलिए वो मोरो को रोक के रहेगा। तभी वेजिटा सुपर सेंस जाता है और मोरो से फाइट करना शुरू करता है, पर मोरो उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है बिल्कुल आसानी से। और कैनबेरी भी नोटिस कर लेता है कि वेजिटा जिंदा है और उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर लिया है। तभी मोरो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वेजिटा को ज़मीन पर गिरा देता है और उसको एक पहाड़ में फेंक देता है, जिसको देखकर गोकू भी शॉक होता है। लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है रेड ऑरा के अंदर, और वेजिटा बाहर आता है अपनी सुपर सेंट गॉड फॉर्म के अंदर, और सुपर सेंट गॉड फॉर्म के अंदर वो मोरो के मैजिक को आसानी से डॉच कर रहा होता है और उसको आसानी से हराने लगता है, और फाइनली उसके अटैक्स मोरो को लैंड कर रहे होते हैं। तभी मोरो छोटे छोटे अटैक्स करता है लेकिन वो वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं होते। तभी मोरो अपना कोट फेंक देता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोरो चिल्लाने लग जाता है और ज़मीन टूटने लग जाती है और अचानक से लावा बाहर निकलने लगता है, और मोरो बताता है कि वो इस प्लैनेट की लाइफ एनर्जी से ही अटैक कर सकता है, और अब वो वेजिटा को उसी से हराएगा। और वेजिटा उसको मुश्किल से डॉच कर रहा होता है। वेजिटा को बहुत ही मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में, और मोरो बताता है कि वेजिटा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी गोकू फाइट ज्वाइन करने का बोलता है लेकिन वेजिटा उसको मना कर देता है। लेकिन वेजिटा मोरो से उसका गोल पूछता है, और मोरो बताता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने आया है। और तभी मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उसको आसानी से रोक लेता है, मगर मोरो उसके पीछे जाता है और वहाँ से उसको अटैक करने लग जाता है, और वेजिटा मुश्किल से उसको रोक पा रहा होता है। और तभी वेजिटा सुपर सेंट ब्लू चला जाता है और उसको आसानी से ओवर पावर कर लेता है, और ब्लू में जाने के बाद मोरो का कोई भी अटैक उस पर लैंड नहीं हो रहा होता है, और वो सारे अटैक्स को डॉच करके मोरो को मारता है। तभी वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। वहीं अचानक से गोकू कुछ नोटिस करता है और उसको कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वहीं मोरो वापस आता है और वेजिटा उसको मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन गोकू उसको पीछे होने के लिए बोलता है। और तभी कैनबेरी वहाँ से भागने लग जाता है, और इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर मोरो गोकू और वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ऊपर चला जाता है, जिसकी मदद से कैनबेरी भाग जाता है और मोरो ऊपर खड़ा होकर एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है। तभी पूरे प्लैनेट की लाइफ फोर्स बाहर निकलने लग जाती है और सबकी एनर्जी जाने लग जाती है। तभी वो एनर्जी बॉल बहुत ही बड़ी हो जाती है और अचानक से मोरो उसको छोटा सा कर देता है और उसको खा लेता है, जिससे उसकी पावर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। वहीं गोकू और वेजिटा इसको देखकर बहुत ही शौक होते हैं, और इसी के बाद ही मोरो कैनबेरी को भी रोक देता है, और यही देखकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सुपर सेल इस्तेमाल करके वो इसको यहीं पर ख़त्म कर देगा, और वो चार्ज करने लगता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो उसको समझ आ जाता है कि अब वो सुपर सेल नहीं बन सकता। वहीं जाको बताता है कि जिस प्लैनेट की भी लाइफ फोर्स मोरो एब्जॉर्ब करता है उस प्लैनेट के सारे लोगों की एनर्जी भी मोरो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका मतलब गोकू और वेजिटा के पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सुपर सेल बन सके, और मोरो ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी मोरो वेजिटा के पास आता है और उसका सर पकड़कर उसको बुरी तरह दूर फेंक देता है, और अब मोरो को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तभी गोकू मोरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो के सामने गोकू भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और वो गोकू को उठा के भी फेंक देता है। वहीं वेजिटा ने बची कुची एनर्जी से एक गैलेक्टिक गन चार्ज करके उसको मोरो पर मारता है,
लेकिन मोरो अपना मुंह खोलता है और उसको खा लेता है, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं हम बीरस को देखते हैं जो कि बोर हो चुका होता है और तभी बीस नोटिस करने लग जाता है कि प्लैनेट नेमिक की एनर्जी ख़त्म होने लग गई है और वो कुछ ही सेकंड्स में मर जाएगा। और बीस गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है। वहीं गोकू और वेजिटा थकी हुई हालत में होते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ कर सके। और तभी एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आती है जिसको दोनों गोकू और वेजिटा मुश्किल से डॉच करते हैं, लेकिन डॉच करने के बाद भी वो उनको हिट हो जाती है जिससे उन दोनों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तभी मोरो गोकू को बुरी तरह मारता है और उसका गला पकड़ता है और साथ ही साथ वो वेजिटा का भी गला पकड़ लेता है और वो दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे खा लेता है, जिससे उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी आधी से ज़्यादा पावर वापस आ जाती है और वो पूरी तरह बदल जाता है। तभी मोरो वहाँ से जाने जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके और वो गोकू और वेजिटा को बुरी हालत में छोड़ देता है। और तभी वहाँ पे नमकियंस आते हैं और गोकू और वेजिटा की मदद करने लग जाते हैं। और फिर हम अर्थ को देखते हैं। वहाँ पर बुलमा बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि गोकू और वेजिटा एक हफ्ते से गायब है और इसलिए बुलमा अपनी बड़ी बहन के पास जा रही है ताकि वो जाको से बात कर सके। तभी गैलेक्ट पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में हमें पता चलता है कि माजिन बू उठ चुका है और माजिन बू सारा का सारा खाना खा रहा है। तभी बुलमा जाको से बात करती है और गोकू और वेजिटा और बू का पूछती है। वहीं जाको बताता है कि बू बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन जाको बुलमा की कॉल को बंद ही कर देता है। और हम प्लैनेट नेमिक पर देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अब भी बेहोश हैं और बहुत दिनों के बाद गोकू उठता है और वो छोटा नेमिकन बताता है कि उसके पास भी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं बिल्कुल डेंडे की तरह, और वही है जिसने गोकू और वेजिटा को हील किया है। और तभी वेजिटा भी उठता है और इस छोटे नेमिकन का नाम होता है एस्का। तभी वेजिटा पूछता है कि वो कितने दिन के लिए बेहोश थे और वही बूढ़ा नेमिकन बताता है कि वो पूरे 3 दिन के लिए बेहोश थे और इन पूरे 3 दिनों में मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा था और उसके सामने जो भी मिले जाया उसने उसका सबको मार दिया और उसने पहले ही 3 एनर्जीज ख़त्म कर दिए हैं और अब उसके पास 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि मोरो ने ही किया होता है और हम मोरो को देखते हैं कि वो एक नेमिकन को पकड़ उसको मार देता है और मोरो धीरे धीरे करके सबको मार रहा होता है और वो तीनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेमिकन। और तभी वो फ्यूज नेमिकन मोरो के पास आता है और उसको अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोरो उसको बुरी तरह मार देता है और उसको 1 सेकंड में ही ख़त्म कर देता है और वो मोरो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मोरो धीरे धीरे करके सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि एक ड्रैगन बॉल गोकू और वेजिटा के पास ही है। तभी हम देखते हैं कि मोरो ने सभी नेमिकन्स को मार दिया है और कैनबेरी एक और ड्रैगन बॉल ढूंढ लेता है। वहीं डेंडे और पिकोलो इसको सेंस कर रहे होते हैं अर्थ से और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। वहीं गोकू और वेजिटा को मोरो की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो मोरो से लड़ने के लिए अपने कपड़े वापस पहन लेते हैं और अब दोनों गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं मोरो इन दोनों को सेंस कर लेता है और अब वो भी इनको मारने के लिए तैयार है। और जैसे ही गोकू और वेजिटा उनको देखते हैं तो वो दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। उनकी बॉडी अब भी रिकवर नहीं होती है, लेकिन वो तब भी पावर अप कर रहे होते हैं। तभी वो तेज़ी से चार्ज कर देते हैं मोरो की तरफ और वो मोरो की शिप की तरफ जाने लगते हैं, जब तक अचानक से उनके बीच में एक बड़ी सी शिप आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टिक पेट्रोल की होती है और उसमें से बाहर निकलता है मीरस, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। तभी मीरस मोरो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मोरो वहाँ से भाग निकलता है और मोरो मीरस से बचने की कोशिश करता है, मगर मीरस उसको आसानी से डॉच कर रहा होता है। तभी मीरस अपने गैलेक्टिक पेट्रोल के गैजेट से मोरो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसको एक जाल में बंद कर देता है, जिससे मोरो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और मीरस उसको ओवरपावर करके उसको नीचे ले आता है। मोरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तभी गोकू और वेजिटा भी वहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कैनबेरी अब भी जिंदा है। तभी वहाँ पर एक और शिप आती है और उसमें से बाहर निकलता है माजिन बू और शिप में बैठने की वजह से उसको मोशन सिकनेस हो गई है और इसलिए वो बेहोश हो गया है, मगर वो उठता है और मोरो को देखता है और किसी वजह से बू उसको जानता है और मोरो भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। और यही देखकर माजिन बू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मोरो परेशान। मोरो अचानक से चिल्लाने लग जाता है, अपनी पावर बढ़ा के वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब दोनों मोरो और माजिन बू एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। तभी माजिन बू जोर से चिल्लाकर पावर अप करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है। तभी माजिन बू मोरो की तरफ चार्ज करता है और मोरो अपना मैजिक उस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं करता। तभी मोरो बू के पेट में अपना हाथ मार देता है
लेकिन उससे भी बू को कोई डैमेज नहीं होता और वो वापस से रिजेंट कर लेता है। मोरो वापस प्लैनेट नेमेक की लाइफ फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माजिन बू पे वो भी काम नहीं करता और वो मोरो को बुरी तरह मार रहा होता है। और हमें पता चलता है कि मोरो का एब्जॉर्प्शन माजिन बू पे काम नहीं करता और अब माजिन बू ही है जो मोरो को हरा सकता है और अब माजिन बू ही है जो मोरो को अच्छी टक्कर दे सकता है। तभी माजिन बू अपना मैजिक यूज करता है, लेकिन मोरो उसको डॉच कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माजिन बू उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है। और यहीं पर मोरो चिल्लाकर माजिन बू का पूरा सही उड़ा देता है, लेकिन उससे भी माजिन बू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना हर बॉडी पार्ट रिजेनरेट कर सकता है। हम देखते हैं माजिन बू बुरी तरह मोरो को मार रहा है और मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मोरो जोर शोर से चिल्लाकर पावर अप कर रहा होता है, मगर वो माजिन बू पे कोई काम नहीं होता, बल्कि माजिन बू उसको और मार रहा होता है। तभी माजिन बू ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की वही टेक्निक यूज करने वाला होता है जिससे मोरो को सील किया जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तभी आसमान काला हो जाता है और गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि किसी ने ड्रैगन बॉल को समन कर दिया है। और हम देखते हैं पोरुंगा को, जिसके साथ साथ हम कैनबेरी को देखते हैं और वो एक छोटे नमेकिन को यूज़ करके ड्रैगन बॉल से विश मांग रहा होता है और मोरो भी ये रिलैक्स कर लेता है। वो अपनी पहली विश मांगता है और वो होती है कैनबेरी को हील करने की और कैनबेरी वापस हील हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा उसकी तरफ जाने लगते हैं, वहीं मोरो माइंड कंट्रोल से कैनबेरी से बात करने लग जाता है और वो कैनबेरी को बोलता है कि उसके लिए विश मांगे कि मोरो की सारी पावर्स वापस आ जाए। तभी कैनबेरी वही विश मांगता है जिससे मोरो की सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, जिसको दोनों गोकू और वेजिटा भी सेंस कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मोरो वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कैनबेरी अपनी आखिरी विश लेने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से मोरो आकर उसी को मार देता है और अब मोरो के पास है उसकी फाइनल विश। वहीं सभी मोरो के पीछे जाने लगते हैं, मगर मोरो अपनी विश ले लेता है और ड्रैगन बॉल्स वापस चले जाते हैं। तभी वेजिटा मोरो से पूछता है कि उसने क्या विश ली और मोरो बताता है कि उसका मैजिक वापस आ जाए, लेकिन ये वेजिटा को पहले से ही पता था। तो गोकू उससे उसकी दूसरी विश पूछता है, लेकिन मोरो बोलता है कि जल्दी उसको पता चल जाएगा। वहीं गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप वहाँ पर आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मोरो वहाँ से एक ब्लास्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। वहीं माजिन बू एस्का की मदद करता है और उसको वापस से हील कर देता है। तभी माजिन बू गोकू और वेजिटा को भी पकड़ता है और उन दोनों की पावर भी हील कर देता है और अचानक से माजिन बू बदल जाता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के अंदर और उसका पूरा फेस बदल जाता है और सभी देखकर ये शौक होते हैं, साथ ही साथ मीरज भी। और सुप्रीम का बताता है कि वो माजिन बू की जगह लेगा और अभी मोरो को रोकने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तभी गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके मोरो के पास जाने लगता है और इसी के साथ साथ वेजिटा और सुप्रीम काय भी उसके साथ जाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी मोरो पूरे प्लैनेट नेमेक की एनर्जी लेने लग जाता है और सारी की सारी एनर्जी उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी गोकू वेजिटा और सुप्रीम काय वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं, लेकिन मोरो उन सबसे बच जाता है और वो मोरो को हाथ भी लगा पा रहे होते हैं। वहीं मोरो पूरे प्लैनेट नेमेक की एनर्जी ले रहा होता है और तभी गोकू उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसको मना करता है क्योंकि सैयंस स्पेस में सांस नहीं ले सकते हैं और इसलिए द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जाते हैं मोरो को रोकने के लिए। और तभी वहाँ पे उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। मोरो पहले तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा होता है और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को भी बहुत ही मुश्किल हो रही होती है मोरो से लड़ने में। लेकिन तभी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वही टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे मोरो को बंद किया जा सकता है, लेकिन मोरो समझ गया होता है कि अब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल भी कर सके। और मीरा इसको एक्सप्लेन करता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब माजिन बू स्प्लिट हो गया था ईविल बू और गुड बू में, तो सारी की सारी पावर और सारी की सारी गॉड की किड बू के पास ली गई और माजिन बू के पास इतनी सारी गॉड की नहीं है, इसलिए द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो के सामने कुछ भी कर पा रहे होते हैं। और तभी उनको एक फ्लैशबैक भी दिखता है जिसमें गोकू स्प्लिट बॉम्ब यूज़ करके किड बू को मार देता है और वो समझ जाता है कि उसकी पावर उसी के साथ चली गई। तभी उन दोनों की बैटल के बीच में मीरस आ जाता है और मोरो को रोकने की कोशिश करता है और वो द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को भी वहाँ से बचा लेता है, लेकिन वो मोरो को डिस्ट्रैक्ट करके उस पर फाइनली एक अटैक लैंड कर पाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको प्लैनेट नेमेक पर टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा भी बैटल को ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन तभी मोरो उनको एक वार्निंग देता है और वो वार्निंग होती है वही तीसरी विश, जो कि हमें अब भी नहीं पता। तभी हम गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि सारे के सारे प्रिजनर्स वहाँ से भाग निकल गए हैं। और जब पोरुंगा ने अपने विश ली थी तो पोरुंगा की पावर से तो सारे के सारे प्रिजनर्स आज़ाद हो गए और वो हेडक्वार्टर के अंदर सभी को हरा लेते हैं और अब वो
प्लैनेट नेमेक पर आ चुके हैं और अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बिल्कुल गोकू और वेजिटा के पास, और मोनो भी उनकी गैंग के साथ मिल जाता है। और तभी सारे के सारे प्रिजनर्स वहाँ से बाहर निकलकर गोकू और वेजिटा से लड़ने के लिए आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा उनसे लड़ रहे होते हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तभी मोनो पूरे प्लैनेट नेमेक की एनर्जी लेने लगता है और गोकू और वेजिटा अपनी पार खोने लग जाते हैं और वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो प्रिजनर्स उनको ओवर पार कर रहे होते हैं। और तभी मोनो उनकी सारी एनर्जी ले लेता है और उनके पास थोड़ी सी एनर्जी नहीं बचती। तभी मीरस और जाको उनको बचाने के लिए आ जाते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके वहाँ से जाने लग जाता है और वो वेजिटा को भी साथ ले जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो अपने रास्ते जाएगा और वो किसी दूसरी शिप में चला जाता है। वहीं गोकू वहाँ से भाग निकलता है। तभी हम वही शिप देखते हैं जिसमें वेजिटा गया था और वेजिटा शिप के ड्राइवर को बोलता है कि उसको प्लैनेट याडरर पर जाना है। वहीं मोरो पूरे प्लैनेट नेमेक की एनर्जी खा लेता है और वापस से यंग बन जाता है और उसकी सारी की सारी पावर वापस आ जाती है और अब मोरो पूरे यूनिवर्स में चला गया है ताकि वो दूसरे प्लैनेट की एनर्जी खा सके। वहीं गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में होता है और वहाँ आते ही माजिन बू सो गया वापस से और वेजिटा ने भी अपने रास्ते बदल लिए हैं और अब वो अकेला कहीं और जाएगा अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो मोरो को हरा सके और गोकू को वापस सरपास कर सके। वहीं मोरो दूसरे प्लैनेट पर जा रहा होता है और उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इसी तरह उसने सारी की सारी गैंग को दूसरे प्लैनेट पर भेजा हुआ है ताकि वो अच्छे प्लैनेट ढूंढ सके मोरो के खाने के लिए। और ये चीज़ मीरस और गोकू भी देख लेते हैं। तभी गोकू कुछ सोचने लगता है और वो मीरस से सवाल पूछता है, क्या तुम सीरियस से लड़ रहे थे? और गोकू चाहता है कि वो मीरस को टेस्ट करे। तभी गोकू मीरस के पास आता है और अचानक से वो मीरस को पंच कर देता है, लेकिन मीरस उसको आसानी से डॉच कर लेता है। और यही करने के बाद गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करने का सोचता है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर मीरस से लड़ रहा होता है मगर मीरस उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। तभी गोकू सुपर सेंट जाता है और सुपर सेंट बनने के बाद ही वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो सुपर सेंट 3 भी जाता है और इस फॉर्म के अंदर भी वो मीरस को हार भी लगा पा रहा होता है। और इसी मोमेंट पर वो सुपर सेंट गॉड जाने की कोशिश करता है लेकिन पूरी स्पेसशिप टूटने लग जाती है और इसलिए जाको गोकू को रोकने का बोलता है। और इसी फाइट के बाद गोकू मीरस को बोलता है कि वो उसको ट्रेन करे और वो उसको अल्ट्रा सेंट के बारे में बताता है और वो कैसे उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाहता है कि मीरस उसकी मदद करे और मीरस भी इसके लिए मान जाता है। और इसीलिए मीरस उसको एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ वो सुकून से ट्रेनिंग कर सके। वहीं वेजिटा भी प्लैनेट याडरर पर पहुँच जाता है और वो याडराडियन से मिलता है जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई और क्रिएचर आ जाते हैं जो कि उनको वेलकम करते हैं और वो गोकू की वजह से वेजिटा को भी जानते हैं। तभी वेजिटा उनसे पूछता है कि गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन किसने सिखाया, मगर तभी सारे के सारे क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं और वो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही था। तभी वो उसको उसके पास ले जाता है जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया और वो बताता है कि उनके पास कोई खतरनाक टेक्निक्स या खतरनाक एबिलिटीज नहीं है बल्कि वो बहुत ही कमज़ोर हैं। और ये देखकर वेजिटा भी बहुत ही शौक होता है, लेकिन उन लोगों ने एक चीज़ पर बहुत ही फोकस किया है और वो उसको हमेशा ट्रेनिंग करते हैं और वो एक चीज़ है स्पिरिट कंट्रोल, जिसको गोकू की भी बोलता है। और तभी वो छोटा सा क्रिएचर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है और अपनी कॉपीज भी बना लेता है। वहीं वो बड़ा याडराडियन अपना साइज छोटा कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो इतना जायंट था ही नहीं। और तभी वेजिटा उसको बोलता है कि वो भी स्पिरिट कंट्रोल सीखना चाहता है। वहीं गोकू और मीरस भी ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम पिकोलो को देखते हैं जो कि न्यू नेमेक पर किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। तभी अर्थ पर मारकर यानी गैंग आ जाती है जिनको पिकोलो सेंस कर लेता है और उनकी तरफ ही जाने लग जाता है। मारकर यानी गैंग भी पिकोलो को देखती है और पिकोलो डिसाइड करता है कि वो उनको रोकेगा और तभी वो उनकी शिप के ऊपर आ जाता है। वहीं बुलमा भी डेंडे के पास आ जाती है मिस्टर सेटन के साथ। वहीं पिकोलो मारकरेनी गैंग से लड़ रहा होता है लेकिन मारकरेनी गैंग उस पर कोई भी डैमेज नहीं कर पा रही होती है और वो आसानी से उनको संभाल रहा होता है। वहीं जाको भी अर्थ की तरफ आ रहा होता है ताकि वो इस गैंग को देख सके। वहीं पिकोलो मारकरेनी गैंग को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि वो कौन है और उनमें से एक बोलता है कि वो छोटे मोटे चोर हैं और अब वो वापस कभी नहीं आएंगे और इसलिए पिकोलो उनको जाने देता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर बुलमा डेंडे और मिस्टर सिटन जाते हैं और डेंडे बोलता है कि उनको जाने मत देना और तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर पिकोलो उनको जल्दी से रोक देता है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है क्योंकि उन लोगों ने ये बात मोरो तक पहुँचा दी है और तभी मोरो उसी प्लान की तरफ जाने लग जाता है। वहीं हम गोकू और मीरस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं किसी प्लान पर। मीरस बताता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन से पावर बढ़ती है जैसे सुपर सेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रेज से बढ़ती है, लेकिन जो टेक्निक गोकू मास्टर करना चाहता है वो उसका बिल्कुल उल्टा है।
उसके लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है और अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। यही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और गोकू जानता था कि मीरस को इसके बारे में पता होगा। तभी मीरस गोकू को एक पिरामिड में ले जाता है जो कि बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर जैसा होता है, मगर बाहर का एक दिन यहाँ पर 3 दिन होते हैं, तो ये हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से अलग है और यहाँ पर गोकू अपनी फुल पावर में ट्रेनिंग कर सकता है। वहीं क्रेरिन भी वहाँ पर आ जाता है और मार्कलिनी गैंग को वो लोग बंद करके रख देते हैं और वो अर्थ के सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को बुला लेते हैं क्योंकि मोरो और उसकी पूरी गैंग वहाँ पर आने वाली है। तभी जाको नोटिस करता है कि मोरो की एक गैंग अर्थ की तरफ आ रही होती है और उसके अंदर OG-73 भी है। और तभी हम लोग OG-73 को देखते हैं और वो एक क्रिएचर की एबिलिटीज़ को कॉपी करके उसी की एबिलिटीज यूज़ कर रहा होता है और उसी से अपने एनिमीज को हरा देता है। मतलब OG-73 के पास कॉपी करने की एबिलिटी है और वो किसी की एबिलिटीज़ को भी कॉपी कर सकता है। तभी OG-73 टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी कॉपी कर लेता है और सीधा अर्थ पर ही आ जाता है, जिसको देखकर सभी शौक हो जाते हैं। तभी पिकोलो उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अचानक से 73 पिकोलो के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसी की एबिलिटीज़ को कॉपी कर लेता है। और तभी वो पिकोलो पर स्पेशल बीम कैनन यूज़ करता है। तभी 73 और पिकोलो एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं और उन दोनों की पावर बिल्कुल सेम होती है और इक्वल होती है। वो दोनों अपनी सारी की सारी एबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं और कोई भी जीतना नहीं होता है। और जाको बताता है कि अपनी सारी एबिलिटीज़ खो देता है सिर्फ 30 मिनट के बाद ही, तो पिकोलो को उसको सिर्फ 30 मिनट के लिए रोकना है। लेकिन तभी 73 पिकोलो को ओवरपावर कर लेता है और उसको मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पिकोलो को कोई बचाने आ जाता है और वो होता है गोहान। वहीं गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, वहीं वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोहान आती ही 73 को बुरी तरह मारता है और उसको दूर फेंक देता है। और तभी 73 पिकोलो का स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी गोहान उससे बच जाता है और बिल्कुल 73 के पीछे आकर उसको मार देता है। और इसी मोमेंट पर 73 जायंट हो जाता है और वो पिकोलो की जायंट एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर गोहान उसको मारता है और वो 73 को ओवरपावर कर रहा होता है। और जब गोहान 73 को एक कामयाबी हाथ से ख़त्म करने वाला होता है, तभी वो अपनी एबिलिटीज़ को स्विच कर लेता है। और जैसे ही गोहान अपना कामयाबी फायर करता है, तभी 73 मोरो की एबिलिटीज़ को यूज़ करने लग जाता है और उसके अटैक को ही खा लेता है और उसके बाद वो मोरो के मैजिक को इस्तेमाल करने लग जाता है। वहीं हम मोरो को देखते हैं उसकी स्पेसशिप के अंदर और वो इस बैटल को देख रहा होता है। सारी की सारी गैंग्स अर्थ पर सबको मार रहे होते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि 73 सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं मोरो अपनी डायरेक्शन चेंज करके सीधा अर्थ के तरफ आने लग जाता है और तभी मोरो उनको ऑर्डर देता है कि वो वहाँ से चले जाए। तभी 73 रुक जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं गोकू और मीरस अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और वहीं वीस इसको देख रहा होता है और उसके साथ होता है ग्रैंड प्रीस्ट और वो दोनों मीरस के बारे में बात कर रहे होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मीरस को वीस के हाथों छोड़ देते हैं। वहीं हम प्लैनेट यार्ड पर देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसको ट्रेनिंग करने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है और उसने फाइनली स्पिरिट कंट्रोल भी सीख लिया है, तो वो फाइनली नई टेक्निक सीख सकता है। तभी वो यार्डार्टियन वेजिटा को हील कर देता है, पर अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वेजिटा इसको देख लेता है और हमें पता चलता है कि मोरो की गैंग भी वहाँ पे आ चुकी है। तभी वेजिटा उनको रोकने के लिए जाता है और तभी वेजिटा अपनी उंगली उठाकर उसको चार्ज करने लगता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी एनर्जी वॉल बन जाती है और वेजिटा उसको छोड़ देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मोरो के गुंडे की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वेजिटा ये खुद देखकर बहुत शौक होता है। वेजिटा की पावर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है और तभी वो मोरो के गुंडों को आसानी से ख़त्म कर देता है। लेकिन मरते मरते उनमें से एक बताता है कि मोरो की अगली डेस्टिनेशन है अर्थ और वेजिटा ये देखकर बहुत ही शौक होता है और तभी वही मोरो के गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपने अटैक से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वेजिटा समझ जाता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इसलिए उसको अपनी टेक्निक जल्दी सीखनी होगी और मोरो भी सेंस कर लेता है कि वेजिटा अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं हम गोकू और मीरस की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं और मीरस अपनी फुल पावर यूज़ करने लग जाता है और अचानक से उसके पास हेलो आने लग जाता है, पर तभी वो दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमें वीस देखने को मिलता है और वीस मीरस को रोक देता है और हमें पता चलता है कि मीरस एक एंजल है और एंजल्स सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपनी फुल पावर में नहीं लड़ सकते और इसके लिए मीरस माफ़ी मांगता है। मगर वीस को पता होता है कि मीरस का प्लान था कि वो अर्थ पर जाकर मोरो से फाइट करेगा, इसलिए वीस मीरस को लेने आया है और गोकू पता होता है कि एंजल्स फाइट नहीं कर सकते और अगर वो फाइट करेंगे तो वो पूरे एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएंगे। तभी हम मीरस को उसके एंजल फॉर्म में देखते हैं और मीरस फाइनली गोकू को गुड बाय कहता है और वह दोनों गोकू को अकेला छोड़ देते हैं और अब गोकू को खुद ही अकेले घर जाना पड़ेगा, मगर उसको रास्ता ही नहीं पता।
वहीं जाको और पूरा गैलेक्टिक पेट्रोल अर्थ पर पहुंच जाता है अर्थ के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ, और वो मोरो की पूरी गैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी मोरो की स्पेसशिप आती है और उनकी सारी की सारी गैंग्स पूरे अर्थ पर फैल जाती है और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तभी अर्थ के गार्डियंस उन्हें रोकने लगते हैं, और इसी मोमेंट पर 7-3 पिकोलो और गोहान के पीछे जाता है और उन दोनों की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है, और गोहान और पिकोलो मिलकर काम करते हैं जिसकी मदद से वो 7-3 को ओवर पार कर लेते हैं और उसका पूरा हाथ चला जाता है, मगर वो अपनी नमेकियन एबिलिटी से वापस रिजनरेट हो जाता है। तभी गोहान और पिकोलो मिलकर काम करते हैं और वो 7-3 को भी ओवर पावर कर लेते हैं, और 7-3 की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, इसलिए 7-3 अब मोरो की पावर यूज़ करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर दो और फाइटर्स आ जाते हैं और वो होते हैं एंड्रॉइड 17 और 18, और वो दोनों भी मोरो की गैंग को रोकने के लिए आ चुके हैं। वहीं वजीरा सेंस कर लेता है कि मोरो की गैंग अर्थ पर आ चुकी है, और गोकू स्पेस में गुम होता है और दूसरे एलियन से पूछ रहा होता है कि अर्थ कहाँ पर है। सारे के सारे अर्थ के वॉरियर्स साथ में मिल जाते हैं मोरो की गैंग को रोकने के लिए। तभी एंड्रॉइड 17 और 18 7-3 को हरा लेते हैं, मगर तभी मोरो बीच में आ जाता है और 7-3 का सर पकड़ लेता है। वो उसको हील करने के लिए छोड़ देता है और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भेजता है, और वो होता है सकाम्बो। लेकिन बैटल में जाने से पहले मोरो उसको एक गिफ्ट देता है और उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी वो एंड्रॉइड 17 पर अटैक कर देता है, और इसी मोमेंट पर सभी मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वो सभी को हरा रहा होता है। वो सभी को पटक पटक के मार रहा होता है। वहीं गोकू तेजी से अपनी स्पेसशिप में आ रहा होता है अर्थ की तरफ, और वो सभी फाइटर्स की एनर्जी सेंस कर रहा होता है, लेकिन वो किसी की एनर्जी पर भी लॉक नहीं कर पा रहा होता है। मगर तभी क्रेलिन अपनी एनर्जी चार्ज करता है और गोकू उसकी एनर्जी लॉक कर लेता है, और अब फाइनली गोकू भी अर्थ पर आ चुका है बैटल ज्वाइन करने के लिए। वो वहाँ पर आता है और मोरो की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है। क्रेलिन गोकू से पूछता है क्या वो मोरो को हरा सकता है, तो गोकू बोलता है वो पूरा श्योर नहीं है। तभी क्रेलिन उसको पूछता है क्या उसको डर लग रहा है, और तभी गोकू बोलता है कि उसको डर नहीं लग रहा बल्कि वो एक्साइटेड है। और तभी गोकू वहाँ से चले जाता है, सभी की मदद करने के लिए आ जाता है। वो एक सेकेंड के अंदर सभी को हरा रहा होता है। वो आता है और सकाम्बो को बुरी तरह मार रहा होता है, और तभी गोकू मोरो के बिल्कुल पीछे आ जाता है। मगर सकाम्बो अब भी मरा नहीं होता और वो गोकू से अब भी लड़ना चाहता है, तो गोकू मोरो को छोड़कर उसके पास जाता है, और गोकू सीधा सुपर सेल ब्लू में जाता है उसको मारने के लिए, और वो बिल्कुल आसानी से उसको ओवर पार कर रहा होता है। तभी सकाम्बो की मदद करने के लिए मोरो उसको और भी ज़्यादा पावर देता है, लेकिन उसकी बॉडी और ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर सकती। मगर वो तब भी गोकू से लड़ रहा होता है, और गोकू भी ये नोटिस कर लेता है, मगर इसके बावजूद मोरो उसको और पावर दे रहा होता है, और यही देखकर गोकू मोरो को रोकने की कोशिश करता है। वहीं सकाम्बो की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो मर जाता है और उसका गला खुद ही घुट जाता है। तभी गोकू वापस अपनी बेस फॉर्म में जाता है और एक सिल्वर ऑरा में चला जाता है, और अब गोकू अपनी अल्ट्रा एंसिंग साइन फॉर्म के अंदर चला जाता है, और मोरो भी ये नोटिस कर लेता है कि ये कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है बल्कि किसी गॉड की है। अब गोकू मोरो से फाइट करेगा, वो भी अपनी फुल पावर में। गोकू शुरुआत करता है दूर से ही पंचेस मारकर, और मोरो इसको ब्लॉक कर पा रहा होता है, मगर तभी मोरो अपना मैजिक यूज़ करता है जिसकी वजह से गोकू को ऊपर जाना पड़ता है। गोकू सीधा मोरो को पंच करता है और वो दोनों फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी मोरो अपना मैजिक यूज़ करके गोकू को इमोबिलाइज कर देता है, मगर गोकू उसके मैजिक से बच बच के एक कामयाबी चार्ज करता है और सीधा उस पर फायर कर देता है। उन दोनों की बैटल बहुत ही खतरनाक होती है, और उन दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, और वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। गोकू मोरो को बहुत ही अच्छे टक कर दे रहा होता है और बिल्कुल उसको ओवर पार करके उसको हराने भी वाला होता है। वहीं मीरस और वीस दोनों इसको देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मोरो बताता है कि उसके पास और भी ज़्यादा पावर है, और वो अपनी पावर चार्ज करता है और वो अपनी फुल पावर में चला जाता है। पर तभी वो गोकू को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके पीछे आकर उसको पकड़ कर उसको मार देता है, जिससे गोकू वापस अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। लेकिन गोकू वापस उठता है और बताता है कि अब उसको ये फॉर्म एक्टिवेट करना आ चुकी है, तो गोकू और मोरो आप भी अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। तभी गोकू भी अपनी फुल पावर में चल जाता है और वो दोनों अपनी पावर को चार्ज करने लग जाते हैं। उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हर जगह ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और गोकू बहुत जोर से चल जाता है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। मोरो भी गोकू मार रहा होता है और गोकू भी मोरो को मार रहा होता है। उन दोनों की फाइट बिल्कुल इक्वल हो रही होती है, लेकिन मोरो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वहीं वजीटा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और अब वो भी अर्थ पर जाना चाहता है, तो वो याडार्टियंस को बोलता है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके उसको अर्थ पर ले जाए।
लेकिन उनका एक रूल है कि वो प्लेनेट यार्डर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वेजिटा खुद इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करना चाहता है। वहीं मोरो और गोकू की बैटल बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और गोकू धीरे धीरे हार रहा होता है। गोकू अपनी सारी की सारी पावर यूज कर रहा होता है और मोरो से अपनी फुल फॉर्म में लड़ रहा होता है, लेकिन ये तब भी काम नहीं कर रहा होता है और गोकू अपनी पावर को खो रहा होता है और वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। तभी मोरो गोकू की एनर्जी लेने वाला होता है, तभी एंड्रॉइड 17 मोरो पर अटैक कर देते हैं। वहीं वेजिटा अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करता है तो पहली बारी में वो एक कचरे के डिब्बे में चला जाता है। लेकिन वो एक और दफा ट्राई करता है और इस बारी पूरे फोकस के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब गोकू के सामने खड़ा होता है वेजिटा, और अब वेजिटा मोरो से फाइट करेगा। तभी मोरो भी वेजिटा को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अब वो दिखाएगा कि वो कितना स्ट्रांग बन चुका है, और वेजिटा तेजी से मोरो की तरफ चार्ज कर देता है। वेजिटा मोरो पर एक अटैक लैंड करता है, लेकिन उससे मोरो को कुछ भी नहीं होता, मगर वेजिटा तब भी उस पर अटैक कर रहा होता है। वेजिटा उस पर अटैक कर रहा होता है और उसके अटैक धीरे धीरे करके लैंड कर रहे होते हैं और स्लोली स्लोली मोरो अपनी पावर को खोने लग जाता है। और वेजिटा बताता है कि उसने यार्डर पर एक टेक्निक सीखी थी जिसका नाम है फोर्स स्पिरिट फिजन, और गोकू भी ये नोटिस कर लेता है और इसकी मदद से मोरो अपनी सारी की सारी पावर को खो रहा होता है और जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी वापस जाने लग जाती है, और वेजिटा वापस उनको वहीं भेज देता है जहाँ से वो आई थी। और अब वेजिटा फाइनली मोरो को ओवरपावर कर रहा होता है, वहीं मोरो बूढ़ा हो रहा होता है और अपनी सारी पावर को खो रहा होता है। वहीं जो एनर्जी वेजिटा में वापस भेजी थी उससे प्लैनेट नमेक के सारे लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स नमेकियंस को जिंदा रख रहे थे इसलिए वो अब भी जिंदा हो गए। वहीं मोरो और वेजिटा की फाइट चल रही होती है और वेजिटा मोरो को ख़त्म करने वाला होता है, मगर मोरो के पास अब भी एक चीज़ होती है और वो होती है उसका मैजिक। तभी वो एक ब्लास्ट करता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और वो सीधा जाकर 7-3 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वेजिटा आधा उससे पहले ही बहुत लेट हो चुकी होती है और वो 7-3 को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। और तभी वेजिटा नीचे तेज़ी से आ रहा होता है और नीचे क्रैश कर जाता है, और हम देखते हैं फाइनली मोरो को, वो भी अपनी नई फॉर्म के अंदर। मोरो अब 7-3 के साथ फ्यूज हो चुका है। अब मोरो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और अब वो किसी की एबिलिटीज़ को भी कॉपी कर सकता है। मगर तभी वेजिटा वापस आता है मोरो से लड़ने के लिए, और वो इस बारी बहुत ही गुस्से में होता है, मगर इस बारी वो मोरो को टच भी नहीं कर पा रहा होता है और बिना टच किए वो अपनी टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता। तभी मोरो वेजिटा की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी सारी एबिलिटीज़ कॉपी कर लेता है, और तभी वो वेजिटा को नीचे फेंक देता है और उस पर बिग बैंग अटैक यूज़ करता है जिससे वेजिटा की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। और अब क्योंकि मोरो के पास वेजिटा की सारी एबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब गोकू अब फ्यूजन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता मोरो को हराने के लिए। तभी डेंडे बैटल की तरफ आने लग जाता है ताकि वो सबको हील कर सके। वहीं गोहन और पिकोलो मोरो से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। गोहन अपना गैलेक्टिक डोनट इस्तेमाल करता है और वो मोरो को बंद कर देता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर गोकू उसके पीछे आकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामयाबिया कर देता है, और मोरो उसको अपने एक हाथ से रोकता है जिसकी वजह से मोरो का पूरा हाथ चला जाता है। लेकिन मोरो उसको देखता है और वो गोकू के सामने आकर सीधा उसको मार देता है, जिससे गोकू की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और सभी इसको देखकर डर जाते हैं, और गोकू इसकी वजह से मरने की हालत में चला जाता है। वहीं गोहन मोरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी पिकोलो सेंस कर लेता है कि डेंडे वहाँ पर आ रहा है, तो डेंडे से बात करने लग जाता है, लेकिन मोरो इसी बात को सुन लेता है और ऊपर से एक बैरियर बना देता है ताकि अंदर कोई भी ना आ सके। तभी एंड्रॉइड 17 और 18 कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं पिकोलो अपना एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है, मगर मोरो उसको भी मार देता है। तो अब गोकू, गोहान, पिकोलो, वेजिटा, एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 सब घायल है और सिर्फ बचा है तो जाको। तभी अचानक से डेंडे का रास्ता खुल जाता है और बैटल को कोई और भी ज्वाइन कर लेता है, और वो और कोई नहीं होता बल्कि मीरस होता है, और मीरस सभी को किसी सेफ जगह ले जाता है और मोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यही देखकर मोरो बैरियर को भी हटा देता है। तभी मीरस मोरो से लड़ने लग जाता है और वो उसके सारे अटैक्स को डॉच करके उसको अटैक कर रहा होता है। तभी मीरस और रिवीज भी वहाँ पर आ जाते हैं और डेंडे सभी को हील करने लग जाता है। वहीं मीरस और मोरो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मीरस अपने वेपन की मदद से मोरो को रोक रहा होता है। तभी गोकू भी वहाँ पर आ जाता है मीरस की मदद करने के लिए, और वो अपनी साइन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अब वो मोरो के मुकाबले इतना कमज़ोर है कि वो उसको हार नहीं लगा पा रहा। गोकू अब साइन फॉर्म की मदद से मोरो को नहीं हरा सकता। तभी मोरो मीरस का गला पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है, लेकिन मीरस उसका ही हाथ तोड़ देता है।
मीरस और मोरू की बैटल चलती है और मीरस मोरू की कॉपी एबिलिटी को सील कर देता है, जिसकी वजह से वो किसी और की एबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकता। और मोरू से लड़ते लड़ते मीरस बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन करने के बाद उसको एक चीज़ मिली और वो थी एक सेंस ऑफ जस्टिस, कि कैसे अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई को ख़त्म करनी चाहिए ताकि शांति रहे पूरे यूनिवर्स के अंदर, ताकि सब खुशी से रह सकें और उनको किसी की भी चिंता ना हो। तभी मीरस अपनी पावर को और भी बढ़ाने लग जाता है और मीरस गायब होने लग जाता है, लेकिन वो तभी मोरू से फाइट करता है। वो मोरू की तरफ चार्ज करता है और गोकू मीरस को देख रहा होता है और वो सारी की सारी बातों को याद करता है जो वो टाइम चेंबर के अंदर कर रहे थे। मीरस बताता है कि गोकू ने कितनी बार यूनिवर्स को बचाया है, लेकिन गोकू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो किसी वजह से बुरा होता है। और गोकू स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने में बहुत ही मज़ा आता है। और तभी मीरस मोरू के पास जाकर उसकी क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं और इसी के बाद मीरस की सारी बॉडी जाने लग जाती है और मीरस गोकू की आंखों के सामने गायब होने लग जाता है और वो पूरी तरह गायब हो जाता है। और मीरस उसको सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है और वो पूरी तरह गायब हो जाता है। और यही देखकर गो का ऑरा बदल जाता है और वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। तभी गो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और वो जाको से एक सवाल करता है कि उसने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन करा। और जाको बताता है कि वो पूरे यूनिवर्स में शांति रखना चाहता था और क्योंकि यूनिफॉर्म भी सबसे कूलेस्ट है। और गोकू बोलता है कि मीरस भी ऐसा चाहता था। तभी मोरू खड़ा होता है और गोकू मोरू से लड़ने के लिए तैयार होता है और तभी वो अपनी पावर चार्ज करने लग जाता है। उसकी पावर बढ़ने लग जाती है और उसका ऑरा बड़ा होता जाता है और सभी के सभी इसको देख रहे होते हैं। और फाइनली गोकू का ऑरा चला जाता है और हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा एक्स फॉर्म के अंदर होता है और मोरू भी इसको देखकर बहुत ही शॉक होता है। गोकू धीरे धीरे से मोरू की तरफ आने लग जाता है और मोरू उसको देखकर डर कर पीछे हो जाता है। मोरू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक कर पाता तभी गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है। गोकू मोरू को डॉच करता है और उसके छूते ही मोरू दूर जाके गिरता है। मोरू गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और गोकू सिर्फ अपने एक हाथ से ही उसको रोक रहा होता है। तभी मोरू अपनी पावर को चार्ज करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है, मगर तभी गोकू तैयार होता है और वो मोरू की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है। वो मोरू को पकड़ता है और धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाता है और उसको बिल्कुल अपने सर पर रख के जोर से चिल्लाकर उस पर जोर से एक अटैक लैंड करता है, जिससे एक बहुत बड़ा शॉक वेव होता है जो कि पूरे अर्थ को लगता है। और इस पंच से मोरू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी मोरू हार नहीं मानता और वो अपनी पावर को और बढ़ाता है, लेकिन वो तब भी गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसको अपना ही अटैक लग जाता है, जिससे उसकी और बुरी हालत हो जाती है। वो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू उसको बुरी तरह मार देता है और एक पत्थर के नीचे आकर मोरू मदद मांगने लग जाता है। वो भीख मांगने लग जाता है अपनी जान के लिए। और गोकू इसी चीज़ को देखकर जाको से पूछता है क्या मोरू को डेथ सेंटेंस मिली है, और जाको बोलता है हाँ। तभी गोकू अपनी शर्ट पकड़ता है और गैलेक्टिक पेट्रोल को उसी वक्त लीव कर देता है। तभी गोकू उस पत्थर को ख़त्म कर देता है और मोरू को बचा लेता है। वो क्रिलिन से सेंसू भी लेता है और वो मोरू के पास आता है और बोलता है कि वो उसको ज़िंदा छोड़ देगा अगर वो प्रेजेंट में वापस जाए, और मोरू इसके लिए मान जाता है। और इसी मोमेंट पर गोकू उसको सेंसू भी देता है और वो उसको खा लेता है, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है। लेकिन वो बताता है कि वो वापस प्रिजन में नहीं जाएगा और तभी वो गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक करता है और उसका ये हार्ट टूट जाता है। तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में जाता है और मोरू से पूछता है कि उसने कभी ट्रेनिंग करी है, लेकिन मोरू बताता है कि उसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी। तभी गोकू उससे आखिरी बार पूछता है क्या वो वापस प्रिजन में जाएगा। तभी मोरू एक चीज़ को नोटिस करता है और बोलता है कि वो वापस कभी नहीं जाएगा उस प्रिजन के अंदर। तभी गोकू वापस अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरू अपने हाथ को देखता है जिसमें मीरस की एबिलिटीज होती है, और वो उसको पकड़ता है और वो अपने आप पे लगा देता है, जिससे उसके पास मीरस की एबिलिटीज आ जाती हैं और उसकी बॉडी बदलने लग जाती है। उसके पास वाइट फायर आ जाते हैं और वो वाइट कलर का हो जाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल बदल जाती है और अब वो मीरस की एबिलिटीज यूज़ कर रहा है। और तभी मोरू गो को पंच करता है, जिससे गोकू दूर जा रहा होता है, और अब गोकू और मोरू की पावर बिल्कुल इक्वल है और वो दोनों अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं और उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते बैटल कर रहे होते हैं और वो पूरे अर्थ पर फाइटिंग कर रहे होते हैं। मोरू अपनी कॉपीज बनाकर गोकू ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन गोकू अब भी मोरू से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तभी मोरू का हाथ बहुत ही बड़ा हो जाता है
मगर वो गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और उसकी बॉडी बड़ी होती जाती है और गोकू भी ये नोटिस कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी गोकू उसको अटैक कर रहा होता है और उसको मार रहा होता है। मोरो की बॉडी बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है और गोकू उसको बताता भी है कि वो वही गलती कर रहा है जो सगाबो ने की थी। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर सकती, तो अच्छा रहेगा कि वो उस पावर को छोड़ दे वरना वो उसी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर मोरो गोकू की बात नहीं सुनने वाला और वो उस पर अटैक करते रहता है। तभी मोरो एक दूसरी बॉडी ढूंढ लग जाता है और बीस गोकू को बोलता है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। तभी गोकू इसको ख़त्म करने वाला होता है लेकिन मोरो कुछ करता है जिससे सब कुछ हिलने लग जाता है और मोरो अर्थ के साथ ही एक बन जाता है। वो अर्थ को ही अपनी बॉडी बना लेता है। वो पूरे प्लैनेट के साथ ही एक बन चुका है और अब अगर मोरो को मार दिया तो अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अब गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं सारे के सारे जी फाइटर्स वापस से हील हो जाते हैं। तभी वो गोकू पर अटैक करता है और गोकू से रोक लेता है। लेकिन इस सबको देखकर बीरस आता है और बोलता है कि वो इस सबको संभाल लेगा। लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता, अचानक से बीरस को कोई कॉल आती है और वो ग्रैंड प्रीस्ट की होती है, जिसको सुनकर बीरस बहुत ही डर जाता है और सीधा प्रीस्ट की तरफ जाने लगता है। मगर जाने से पहले बीरस मोरो को हराने का तरीका बताता है गोकू को और वो बताता है कि गोकू को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसके सर का क्रिस्टल। अगर उसको ख़त्म कर दिया तो मोरो की सारी पावर चली जाएगी और इसी के साथ बीस चला जाता है। और यही बात सुनकर मोरो अपने क्रिस्टल को छुपाने लग जाता है। मगर तभी वहीं वजीटा आता है और वो अर्थ को पंचेस मारने लग जाता है, जिससे मोरो का क्रिस्टल वापस आ जाता है। अब सिर्फ गोकू ही है जो मोरो को हरा सकता है। गोकू मोरो की तरफ चार्ज करता है और वो उसको तेज़ी से डॉच करते हुए जा रहा होता है। मोरो उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो गोकू को रोक नहीं पा रहा होता है। मगर अचानक से गोकू रुक जाता है और वो बताता है कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसको ख़त्म कर सके और वो वापस अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। तभी सारे के सारे अर्थ के फाइटर आ जाते हैं और पिकोलो बोलता है कि आप वजीटा की स्पिरिट फिजन को रिवर्स करके इस्तेमाल कर सकता है और वजीटा बोलता है ऐसा हो सकता है। तभी सारे के सारे जी फाइटर्स अपनी एनर्जी को वजीटा को देने लग जाते हैं मगर इतनी एनर्जी काफ़ी नहीं होती है और इसकी मदद से गोकू सिर्फ सुपर सेम ब्लू ही इस्तेमाल कर सकता है। तभी मोरो की पावर और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है और उसकी पावर बिल्कुल इंसेन हो जाती है। अगर उन लोगों ने जल्दी नहीं करी तो पूरा प्लैनेट एक्सप्लोड कर जाएगा। तभी अचानक से बहुत ही बड़ी एनर्जी आती है और ये देखकर गोकू और वजीटा दोनों शॉक हो जाते हैं और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि ऊप की होती है और अब वजीटा के पास इतनी पावर है कि वो गोकू दे सके और तभी वो पावर गोकू मिलती है और तभी गोकू एक्सप्लोड करता है एक नई पावर के साथ और अब उसका पूरा अवतार आ जाता है बिल्कुल एक जायंट गोकू जैसे। वो मोरो से भी बड़ा होता है और मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और गोकू अपने सुसाटो के अंदर से अपना अटैक चार्ज करके सीधा मोरो को मार देता है और वो फाइनली मोरो पर अटैक लैंड कर देता है और बीस भी इसको नोटिस कर लेता है और गोकू उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे मोरो पूरी तरह टूट जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस पूरे एक्सप्लोजन से बाहर निकलता है गोकू, वो भी स्माइल करते हुए। फाइनली गोकू ने ये बैटल जीत ली और अब मोरो मार जा चुका है। सभी ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं, यडार्टियंस भी और ह्यूमंस भी। वहीं द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वापस बू में बदल जाते हैं और बुलमा इसी जीत के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है और उसमें सब लोग इन्जॉय करते हैं। और जब गोकू एस्का को घर छोड़ता है तो ड्रैगन बॉल की मदद से उन सभी को रिवाइव कर लेते हैं जिनको मोरो ने मारा और अब गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है और गोकू वजीटा माजिन बू और जागो को मेडल्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ एक और भी मेंबर को मिलते हैं और वो होता है मीरस जो कि अब भी जिंदा होता है और गोकू इसको देखकर शौक होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहीं हम वीस और मीरस को देखते हैं और ग्रैंड पीस को देखते हैं और ग्रैंड पीस बहुत गुस्सा होता है लेकिन ग्रैंड पीस ने वीस को माफ़ कर दिया है और मीरस को वापस जिंदा कर दिया है। लेकिन इस बारी वो एंजल नहीं है बल्कि इस बारी वो एक मॉडल है। मगर वो मीरस और सुप्रीम का को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले, इसलिए वो जनों के साथ खेलते हैं और गोकू और मीरस एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फाइनली ये मोरो आर्क ख़त्म होता है और हम लोग एक तस्वीर देखते हैं उन सब की और फाइनली यूनिवर्स के अंदर शांति वापस आ चुकी है और इसी के साथ ख़त्म होता है मोरो आर्क।